हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज है सैटरडे और मॉर्निंग का टाइम है। मैं जस्ट उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, और अब मैं स्टार्ट करूँगी घर के काम। मिहाई के पापा भी वॉशरूम में हैं और मिहाई अभी सो रही है क्योंकि मिहाई की 2 दिन की छुट्टियाँ हैं। वीडियो में काफ़ी कुछ स्पेशल होने वाला है, और कोई आने वाला है, कोई अच्छे से पार्टी होने वाली है। इतने हिंट मैंने आपको दे दिए हैं, आगे देखते हैं कौन आता है और क्या पार्टी होती है, तो वो सब आगे देखेंगे। और अभी तो मैं कर लेती हूँ घर के काम क्योंकि मैं के पापा ऑफिस जाएंगे, तो मैं खाना वाना बना लेती हूँ। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने मतलब हम लोग सब्जी वगैरह लेकर आए थे, तो फिर रात को लेट ही हो गए थे, तो मैंने सब्जी बनाई थी। तो फिर मैं के पापा ने कहा थोड़ी ज़्यादा बना लेना, क्योंकि उनको जो गोभी है उसकी सब्जी बहुत पसंद है, तो उस वजह से उन्होंने कहा थोड़ी सी ज़्यादा बना लेना, मैं सुबह भी यही खा के जाऊँगा। तो अभी मुझे सब्जी बनानी नहीं है क्योंकि रात की जो गोभी की सब्जी रखी है वो ही हम लोग खा लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से बनाई थी मैंने। अब सर्दियों में ऐसा ही है कि जो फेवरेट सब्जी होगी ना वो थोड़ी ज़्यादा ही बनेगी कि एक साथ हम दो बार खा सकें। सर्दियों का ये अच्छा है, ख़राब नहीं होता। सर्दियों में मैं आटा भी ऐसे ही लगाती हूँ, जैसे सुबह जो आटा लगाती हूँ ना, अगर शाम को पराठे नहीं बनाने तो फिर मैं जो शाम का आटा ना वो भी सुबह लगा लेती हूँ साथ में, थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि रात के टाइम फिर जो आटा लगता है ना वो फिर मैं सुबह तक नहीं रखती हूँ, लेकिन जो सुबह वाला है वो मैं रात तक यूज़ कर लेती हूँ। तो जो सुबह जब मैं आटा लगाती हूँ तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ज़्यादा लगा लेती हूँ, अगर मुझे पराठे नहीं बनाने तो। और अगर पराठे बनाने हैं तो पराठों के लिए तो फिर नया ताज़ा आटा ही सही रहता है, तब भी पराठे अच्छे बनते हैं। तो चलो चलते हैं किचन में, आटा वाटा लगाते हैं और फ्रिज में से सब्जी वब्जी निकालते हैं, काम स्टार्ट करते हैं घर के। आटे का डिब्बा, इसमें मैंने आटा लगा दिया और पैक करके रख दिया। अब जब मैं के पापा आएंगे तब मैं रोटियां बनाऊंगी। और इधर रखे मेरे बर्तन, और ये अभी जो मैंने आटा लगाया था उसकी परात, ये मैं हाथों हाथ धो के रख दूंगी। और इन बर्तन, ये जो सारे बर्तन हैं मैंने रात को धोए थे, तो अभी मुझे इनको जचाना है। अभी किचन मेरी साफ़ नहीं हुई है, तो इस वजह से ये बर्तन भी है ना, ये मैस हो जाते हैं। मतलब मैं जचाती हूँ, फिर जब चाहिए होता है नीचे वाला निकालो, ऊपर नीचे के मैस हो जाते हैं, तो इनको इस बार मैं थोड़ा सही से मैनेज करने के लिए कुछ देखूँगी। तो अभी तो मैं इनको जचा लेती हूँ। पापा चले गए हैं ऑफिस, अब मैं हूँ और मिहाई है। अब भी हम लोग पहले खाना खाएंगे
उसके बाद में, क्योंकि फिर मैं खाऊंगी तो मेहाई भी खा लेगी। ऑरेंज हम लोगों ने खा लिए थे सुबह, लेकिन अभी हम फटाफट खाना खाएंगे और उसके बाद में काम करेंगे। मैं थोड़ा सा बिस्तर वगैरह लाके मैंने यहाँ पे रखे हैं अंदर वाले रूम से, उसके बेड की सफाई करने के लिए। मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से थोड़ा सा पिज्ज़ा का सामान। चीज़ तो मेरे पास ऑलरेडी रखा था, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगा लिया कि इनकेस ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद होता है। और उसके अलावा थोड़े से मैंने पिज़्ज़ा बेस मंगाए थे, थोड़े से तो क्या तीन चार पैकेट है, तो एक में दो आते हैं, तो मतलब 5-6 पिज़्ज़ा के हिसाब से मैंने मंगाए थे, क्योंकि आज हम लोग कर रहे हैं पिज़्ज़ा पार्टी। और पिज़्ज़ा पार्टी में मेन गेस्ट कौन है वो अभी तक हमने रिवील नहीं किया है, वो बाद में करेंगे। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं हम दोनों, उसके बाद में काम करते हैं घर का। कर लिए पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, काम मेरा सारा हो गया, सिर्फ थोड़े से बर्तन है वो मैं थोड़ी देर बाद में धोऊंगी, क्योंकि पहले मैं कर रही हूँ सूट की कटिंग। मेरे सूट की कटिंग जो मैं पहनूंगी और करवा चौथ पे, तो मैं पहले उसकी कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद में मैं नहाने जाऊंगी, तो नहाने जाऊंगी ना तब साथ में ही कपड़े भी धो लूंगी, तो इसलिए पहले मैं ये वाला काम कर रही हूँ। तो मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी। कटिंग करने के बाद में मैं फटाफट नहाई और मैंने कपड़े धोए, बट मैंने शूट नहीं किया कि क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और ये थे आज के गेस्ट, जो कि हैं कोटा वाली दीदी और उनके बच्चे। तो ये कौन है और इनसे मेरा रिलेशन क्या है वो मैं आगे किसी व्लॉग में बताऊंगी, अभी मैं आपको इतना बताती हूँ कि इनके जो दोनों बच्चे हैं नन्नू चिया, वो हनी और मिहाई की स्कूल में पढ़ते हैं। ये चारों एक ही स्कूल में साथ पढ़ते हैं और नन्नू और हनी क्लासमेट हैं। तो आज मैंने देनी थी इन लोगों को पिज़्ज़ा पार्टी, क्योंकि इनका भी रिज़ल्ट आया है और नन्नू को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, इसलिए तो कई बार हम लोगों का प्लान हो गया बट फाइनल नहीं हुआ, तो आज मैंने फाइनली इन लोगों को बुलाया और टाइमिंग नहीं था तो मैंने बहुत ज़्यादा शूट भी नहीं किया। अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं कर रही हूँ सिलाई। तो मैं सिल रही हूँ मेरा करवा चौथ का ड्रेस। लास्ट वीडियो जो लास्ट क्लिप आपने देखी, पिज़्ज़ा पार्टी हमारी चल रही थी, फिर हम लोग आपस में बातें करने लग गए, मज़े करने लग गए, तो फिर मैंने आगे शूट नहीं किया, क्योंकि कोई आता है और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता शूट करना, तो मैंने सिर्फ इतना ही शूट किया था, उसके आगे शूट नहीं किया। फिर उनके जाने के बाद में मैंने थोड़ा बहुत घर का काम किया, मियाँ के पापा के लिए खाना वाना बनाया, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सारा पिज़्ज़ा खा लिया था तो हमारी इच्छा नहीं थी, और आज हमने बहुत सारे पिज़्ज़ा खाए थे, मतलब बहुत पेट भर भर के खाए थे, खूब बनाए खूब खाए,
उसके बाद में कटिंग मैंने आपको दिखाया था, मैं सूट की कटिंग पहले ही कर गई थी और अभी मैंने सिल लिया है मेरा लहंगा पूरा। और मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मैं आजकल करना मैंने स्टार्ट किया है मेरे वाले सूटों के अंदर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है ना, तो मैं जो ऐसे भी करती हूँ आपको कि मैंने लहंगे में क्या किया है। वैसे तो आजकल कई लोग करने लग गए, मैंने इस तरीके से मेरे लहंगे में लगाई है पॉकेट, दिख रही है यहाँ बीच में, यहाँ यहाँ ये, तो ये मैंने फ़ोन के लिए लगाई है। मैं एक बार फ़ोन को स्टैंड पे लगा के फिर दिखाती हूँ आपको अच्छे से, दिखाती हूँ मैं। ये है मेरा लहंगा। और एक चीज़, मैं लहंगे में ऊपर सल नहीं डालती बिल्कुल भी, मेरे तो नहीं डालती क्योंकि मेरे को नीचे घेर ज़्यादा चाहिए होता है अच्छे से, इसलिए तो मैं जितना भी चौड़ा होता है ना, हालांकि करती फुल चौड़ा हूँ, ऊपर से कम नहीं करती, लेकिन जितना चौड़ा होता है ना सारा ऐसे ही रख देती हूँ, सल्ली डालती। और ये देखिए यहाँ पे है मेरे पॉकेट इस तरीके से, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे पहनूंगी ना तो यहाँ पे मेरे फ़ोन के लिए पॉकेट आ जाएगी इस तरीके से। हाय हाय। सो ये है पॉकेट, और ये मेरा सेकंड लहंगा है जिसमें मैंने पॉकेट करी है। मतलब मेरे लिए लिमिटेड कपड़े ही सिलती हूँ ना जो बिल्कुल अर्जेंट होते हैं वो, और ना ना करते मेरा ये लहंगा भी है ना थोड़ा सा लंबा हो गया है। मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं है, इतना तो पहनना ही चाहिए, लेकिन मैं थोड़े से लहंगे नीचे पहनती हूँ और मुझसे ज़्यादा लंबे लहंगे ना पहने भी नहीं जाते। तो बस ये मेरा लहंगा, पहले मैं इसमें सोच रही थी ये जो पाइपिंग है ना, मतलब जो गुणा है वो मैं कोई स्काई ब्लू सा सोच रही थी, फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या पता अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, फिर मुझे लगा कि सूट नहीं ख़राब हो जाए, तो फिर मैंने फाइनली सिल्वर कलर का ही लगा दिया, बाकी मेरा मूड नहीं था सिल्वर कलर का लगाने का। सो ये मैंने सिला है लहंगा आज, और उससे पहले कोई सूट था जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ उड़ रखी थी, मतलब लूज था, तो मैंने उसको सही किया, उसके बाद में मेरा ये सूट सिला। सूट तो पूरा नहीं सिला, मतलब मंगजी बन गई है, लहंगा सिल गया है, और अब सिलनी है मुझे कुर्ती और कांचली, तो देखते हैं मेरा मूड हुआ तो मैं अभी सिलूंगी, अदरवाइज मैं कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब सिलूंगी, अभी के लिए तो लहंगा सिल गया ये। सो आज तो लहंगा मेरा कंप्लीट हो गया है, कुर्ती और मुझे करनी है, बट मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि मैं अभी करूँगी या फिर कल करूँगी, मतलब आगे कभी करूँगी, तो अभी तो मैं लहंगा करके फ्री हो गई हूँ। और मेहाई के पापा सो गए हैं और 11 ऑलमोस्ट बज गए, तो एक तो मन तो कर रहा है कर लेती हूँ सिलाई, कुर्ती भी हो जाएगी, एक मन कर रहा है कि छोड़ देती हूँ रहने देती हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, रेस्ट कर लेती हूँ। तो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, मूड के ऊपर है, कुछ डिसाइड नहीं है, सब कुछ मूड के ऊपर है, करती हूँ नहीं करती हूँ, जो भी करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने रात को कर ली थी या नहीं की थी, अब करूँगी। बट अब ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि रात हो गई है, अब दिखाने को कुछ है नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग में कुछ नया और कुछ शूट करेंगे। सो व्लॉग बहुत छोटा सा है लेकिन बस इतना ही है अभी तो मैं रखती हूँ, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय।